सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शोपिया में सीआरपीएफ की 14 बटालियन द्वारा अंडर 14 फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शोपिया के एसएसपी श्रीराम अंबारकर व सीओ एरिक गिलबर्ट ने किया। लीग के शुरू होने से पहले रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि अंडर 14 फुटबॉल लीग में शोपिया के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए सीओ एरिक गिलबर्ट ने कहा कि घाटी के बच्चों में हुनर की कोई कमी नहीं है और उसे निखार कर बाहर लाना इस लीग का मकसद है। उनके मुताबिक घाटी के बच्चों को खराब माहौल से दूर रखना बेहद जरूरी है ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके। अंडर 14 फुटबॉल कंपटीशन चला रहा है, अलग अलग स्कूलों से हम टीम बुलाया इधर और हम ये ऐसे गुडविल जेस्चर हम ये कर रहा है। हम ये चाहता है इधर का लड़कों गलत रास्ता में न जाए, अच्छा रास्ता में आए और इनका अंदर में बहुत अच्छा अच्छा गुण है। कुछ लोग बहुत अच्छा खिलाड़ियाँ हैं तो इनको हम टैलेंट सर्च कर रहा है, उनको आगे को हम प्रमोट करेंगे और इन लोग सही रास्ता में अच्छा स्पोर्ट्स करके सही तरीके में जाने के लिए हम उनको गाइडेंस देना चाहता है।